बात जनवरी के महीने की है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाली 14 साल की श्रुति ट्यूशन से घर आई थी कि माँ ने पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आई? श्रुति ने कहा, आज वो अपनी सहेली के साथ थी। इसी बात पर माँ ने श्रुति को जोर से डांट दिया। माँ की डांटने पर श्रुति घर से चली गई। शाम तक नहीं लौटी तो घर में कोहराम मच गया। सब जगह ढूंढा गया पर कोई सुराग नहीं। आखिर में घर वालों ने नजफगढ़ थाने में सूचना दी। अब सुनिए आगे क्या हुआ। जनकपुरी मेट्रो थाना में तैनात कांस्टेबल मुकेशी जिप नेट पर गुमशुदा बच्चों की डिटेल्स देख रही थी। तभी उनकी नजर श्रुति की डिटेल्स पर पड़ी और उन्होंने तुरंत श्रुति की तलाश शुरू कर दी। मुकेशी ने श्रुति के परिजनों और थाना नजफगढ़ से संपर्क किया। उसके घर वालों को सिर्फ इतना पता था कि उसकी सहेली के पास एक मोबाइल है। तकनीकी छानबीन से लोकेशन का पता लगा और ये मालूम हुआ कि वो लड़की इस समय करीब 100 मीटर के दायरे में है। लेकिन घनी आबादी वाले इलाके में 100 मीटर के दायरे में तो बहुत से मकान होते हैं। सभी घरों में तलाशी लेना मुमकिन नहीं था। लेकिन मुकेशी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने सारी जानकारियों को इकट्ठा किया, विश्लेषण किया और सिर्फ 24 घंटे के अंदर श्रुति को खोज निकाला और उसके परिवार वालों को सौंप दिया। ये है मुकेशी। कांस्टेबल मुकेशी उन परिवारों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं जिनके बच्चे अपने माता पिता से रूठकर या फिर किसी के बहकावे में आकर या फिर अपना पता भूल जाने के कारण परिवार से बिछड़ जाते हैं। पिछले 365 दिनों में मुकेशी ने ऐसे करीब 70 बच्चों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलवा दिया है। ये है दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन मिलाप। इस ऑपरेशन मिलाप के तहत बहुत से परिवारों में मुस्कान लौट कर आई है। इस काम में बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन जब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो फिर मुश्किल काम कहां इतना मुश्किल रह जाता है। मुकेशी को उसके इस काम के लिए हाल ही में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना ने सम्मानित भी किया। ये था आज का किस्सा खाकी का।